नेक्स्ट बात करते हैं एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स की। एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स क्या होता है बेसिकली? ये क्या कर रहे हैं, एड्रेनर्जिक ड्रग्स के काम को इनहिबिट कर रहे हैं, ठीक है। सो दे आर आल्सो नोन एज सिंपैथोलिटिक्स ड्रग्स, ठीक है, क्योंकि ये जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसको उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। ये जो सिंपैथोलाइटिक्स ड्रग्स हैं ये दो टाइप के होते हैं, या तो ये अल्फा ब्लॉकर हैं या तो ये बीटा ब्लॉकर हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तभी तो काम अपने पास जो है वो उल्टा आएगा, ठीक है। ये करने से पहले अपन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में। आपके एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स दो टाइप के होते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा की बात की जाए, अल्फा वन जो है वो ब्लड वेसल्स में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, आई के अंदर माइड्रियासिस करता है, क्योंकि सिंपैथेटिक एक्शन है तो माइड्रियासिस करता है। प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा के अंदर यूरिन आउटफ्लो को डिक्रीज कर देता है बाय द रिलैक्सेशन ऑफ ब्लैडर, ठीक है। अल्फा टू के अंदर ये प्रीसिनेप्टिक प्रेजेंट होता है, और प्रीसिनेप्टिक मतलब होता है ब्रेक लगाने का काम करता है ये, ठीक है। बीटा थ्री ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होता है और ये ब्लैडर को रिलैक्स करता है, सो ब्लैडर को रिलैक्स करता है मतलब यूरिन आउटफ्लो को कम कर देता है, डिक्रीज यूरिन आउटफ्लो, ठीक है। नेक्स्ट बीटा वन की बात की जाए, हार्ट में प्रेजेंट है, तीन स्टिमुलेटरी रेट, कंडक्शन और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ाता है ये। जेजी सेल्स के अंदर रेनिन के सिक्रेशन को बढ़ाता है ये, ठीक है, जिससे कि आरएस सिस्टम जो है, रेनिन एंजियोटेंसिन वाला सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। बीटा टू की बात की जाए, लंग्स के अंदर ये ब्रोंको डायलेशन करता है, जीआईटी के अंदर ये कॉन्स्टिपेशन करता है बाय डिक्रीज या फिर डिक्रीज द पेरिस्टाइलिस, अगर पेरिस्टाइलिस डिक्रीज हो जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा। ब्लैडर के अंदर ये रिलैक्स करेगा अपन ने पढ़ा था, यूटेरस के अंदर रिलैक्सेशन करेगा, टोकोलाइटिक इफेक्ट अपन ने पढ़ा था, स्केलेटल मसल्स के अंदर ट्रेमर्स करेगा ये, ब्लड वेसल्स के अंदर वैसोडाइलेशन करेगा, और लिवर के अंदर शुगर को बढ़ा देगा इन द केस ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा था नॉर्मली, ये सारे रिसेप्टर्स हैं आपके किसके, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। अगर ये सारे काम का उल्टा करना है, इन सब का काम का अपोजिट देना अपन को, इन सब को अपोजिट करना, तो इस केस में अपन कौन सी सिस्टम यूज़ करेंगे, एंटी एड्रेनर्जिक सिस्टम यूज़ करेंगे। अल्फा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर ड्रग्स होती है अपने पास, अपन ने बीटा ब्लॉकर्स बहुत सारा सुना होगा, अल्फा ब्लॉकर्स भी उसी टाइप की ड्रग्स होती है, तो अपन एक एक करके सारे ही पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अल्फा ब्लॉकर की, ठीक है। अब अल्फा ब्लॉकर तीन टाइप के होते हैं, एक दो तीन, कौन कौन से? एक तो अल्फा प्लस अल्फा टू ब्लॉकर, दोनों को ब्लॉक कर रही है, इसमें पता नहीं है कौन सा ब्लॉक हो रहा है, अल्फा वन ब्लॉक हो रहा है अल्फा टू ब्लॉक हो रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन सिलेक्टिव, ठीक है। क्या बोलते हैं? नॉन सिलेक्टिव। दूसरा होता है अल्फा वन ब्लॉकर, तो ये कैसा हो गया? सिलेक्टिव, क्योंकि सिर्फ अल्फा वन को ब्लॉक कर रहा है। और दूसरा होता है अल्फा टू ब्लॉकर, जो सिलेक्टिव होता है, क्योंकि ये सिर्फ किसको ब्लॉक कर रहा है, अल्फा टू को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। इसमें से ये दोनों जो होता है, नॉन सिलेक्टिव और सिलेक्टिव में, जिसमें भी अल्फा वन आ रहा है, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं अगर अल्फा क्या कर रहा है, अल्फा वन क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, और अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाए तो क्या करेगा, वैसो डायलेशन, ठीक है। तो इसको किस में यूज़ करते हैं अपन, वैसो डायलेशन में यूज़ करते हैं, और वैसो डायलेशन अपन को कब करनी है, हाइपरटेंशन के टाइम, जब अगर मान लो हाइपरटेंशन होगी तो अपन कौन सी ड्रग्स यूज़ करेंगे, ये वाले, या तो अल्फा वन ब्लॉकर यूज़ करेंगे या फिर अल्फा वन प्लस अल्फा टू ब्लॉकर्स नॉन सिलेक्टिव यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अल्फा टू की, क्योंकि छोटा सा है। अल्फा टू के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दे आर नॉट क्लिनिकली इसको क्लिनिकली यूज़ ही नहीं है कोई, पर इसके ड्रग्स का नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है। एक होता है योहिम्बाइन और एक है आइडाजोक्सेन, दो दवाइयाँ हैं जो कि अल्फा टू ब्लॉकर होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपकी नॉन सिलेक्टिव और सिलेक्टिव की, कौन कौन से दो ड्रग्स थे आपके पास, एक तो था नॉन सिलेक्टिव और एक था आपके पास सिलेक्टिव ब्लॉकर, ठीक है। नॉन सिलेक्टिव में दोनों आ गए और सिलेक्टिव में सिंगल है। अल्फा वन प्लस अल्फा टू जो है वो अपन यूज़ करते हैं सीवियर टेकीकार्डिया में, ठीक है।
क्योंकि ये हार्ट रेट को बढ़ाएगा, ठीक है। सो यूज्ड इन सीवियर हाइपरटेंशन, ठीक है, बट इसमें ऐसा कुछ चांस नहीं है। सो दिस आर यूज्ड इन माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन, क्योंकि अपन ने पढ़ा था अल्फा टू जो है वो अगर पोस्ट सिनेप्टिक है तो वो कैसे यूज करेंगे, वो एक्ट लाइक अल्फा वन, ठीक है, और अगर ये एक्ट लाइक अल्फा वन है, ठीक है, तो ये दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा एंटी एड्रेनर्जिक इफेक्ट देंगे, ठीक है। तो इसलिए अपन इसको सीवियर टैकीकार्डिया और सीवियर हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, और अल्फा वन ब्लॉकर को अपन सिर्फ माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ड्रग्स की। सबसे पहले नॉन सिलेक्टिव की बात करते हैं। नॉन सिलेक्टिव ड्रग्स कौन कौन सी हो गई? नॉन सिलेक्टिव में अल्फा वन प्लस अल्फा टू ब्लॉकर हो गए, ठीक है। कि नॉन सिलेक्टिव ड्रग्स जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो हो गई इरिवर्सिबल, सॉरी एक तो हो गई रिवर्सिबल और एक हो गई आपके इरिवर्सिबल, ठीक है। दो टाइप की ड्रग हो गई, एक हो गई रिवर्सिबल और एक हो गई इरिवर्सिबल। इन दोनों में फ़र्क क्या है? रिवर्सिबल हो गई वो होगी आपके शॉर्ट एक्टिंग, क्योंकि वो रिवर्सिबल है, और इरिवर्सिबल होगी वो लॉन्ग एक्टिंग होगी, ठीक है। रिवर्सिबल के अंदर दो दवाइयाँ याद रखो, एक हो गई पेंटोलामाइन, ठीक है, और एक हो गई टोलाजोलाइन, ठीक है, पेंटोलामाइन और टोलाजोलाइन। इरिवर्सिबल के अंदर भी दो ड्रग्स हैं, एक हो गई आपकी फिनोक्सीबेंजामाइन और एक हो गई, सॉरी एक ही है, सॉरी फिनोक्सीबेंजामाइन, ठीक है। दिस आर यूज्ड इन फियोक्रोमोसाइटोमा, अभी अपन ने पढ़ा था पहले, ठीक है। एड्रिनलिन प्रोड्यूसिंग एड्रिनल मेडुला ट्यूमर, ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा। एक ड्रग है जिसका नाम है टोलाजोलाइन, ठीक है। ये टोलाजोलाइन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है चीज़ रिएक्शन के अंदर, किसके अंदर? चीज़ रिएक्शन के अंदर। अब ये चीज़ रिएक्शन क्या होता है, देखो इसके लिए समझो। आपने टायरामाइन सुना था, टायरामाइन ध्यान है, टायरामाइन कहाँ होता है? टायरामाइन बेसिकली क्या है? कैटेकोएलमाइन ड्रग है, ठीक है, कैटेकोएलमाइन ड्रग है, बट दे आर नॉट यूज्ड ओरली, क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, जो COMT एंजाइम्स होता है उसको ख़त्म कर देता है बेसिकली, ठीक है। ये टायरामाइन जो है ये बहुत हाई मात्रा में प्रेजेंट रहता है चीज़ के अंदर, किसके अंदर प्रेजेंट रहता है? चीज़ के अंदर। तो अपन चीज़ कैसे खाते हैं? मुंह से खाते हैं, ओरली खाते हैं। तो अपन जब भी चीज़ खाते हैं, जब भी अपन चीज़ खाते हैं तो अपना जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो COMT रिसेप्टर है, COMT एंजाइम जो है वो क्या करता है, वो क्या करता है बेसिकली, जो टायरामाइन है उसको ब्रोक कर देता है और अपन चीज़ मज़े से खा लेते हैं, तो अपना सिंपैथेटिक एक्शन दिक्कत नहीं करता। लेकिन ये जो एंजाइम है, जो GIT के अंदर एंजाइम है, ये प्रेजेंट होता है MAO, मोनोएमाइन ऑक्सीडेस, जो COMT था, मोनोएमाइन ऑक्सीडेस। जो लोग MAO इनहिबिटर लेते हैं, MAO इनहिबिटर, ठीक है, जो लोग MAO इनहिबिटर लेते हैं उसमें क्या होगा, अगर मान लो उसने चीज़ खाया, ठीक है, चीज़ खाया, अब चीज़ खाने से क्या होगा, ये जो MAO इनहिबिटर होता है, MAO को इनहिबिट कर दिया, मतलब जो आपका चीज़ के अंदर जो टायरामाइन था वो क्या कर रहा है, अब अपना काम कर रहा है, मतलब सिंपैथेटिक एक्शन करेगा वो, क्यों? क्योंकि टायरामाइन जो है वो कैटेकोएलमाइन एड्रिनर्जिक ड्रग है, एड्रेनर्जिक ड्रग क्या करता है, सिंपैथेटिक एक्शन को बढ़ाता है। तो MAO इनहिबिटर होगा जिससे कि सडन हाइपरटेंशन हो जाएगा, ठीक है। कौन, किसके अंदर होगा? जो पेशेंट MAO इनहिबिटर लेते हो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, सडन हाइपरटेंशन होगा, क्यों? क्योंकि टायरामाइन जो है वो चीज़ के अंदर प्रेजेंट होता है, और टायरामाइन जो है वो क्या करता है, ये बेसिकली सिंपैथेटिक एक्शन करता है, और सिंपैथेटिक एक्शन में क्या होता है, हार्ट जो होता है वो स्टिमुलेटरी हो जाएगा, 3+ रेट कंडक्शन और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको क्या चाहिए, एक सडन स्ट्रॉन्ग ड्रग चाहिए जो कि रिवर्सिबल हो और नॉन सिलेक्टिव हो, ठीक है। रिवर्सिबल हो मतलब जल्दी चाहिए, शॉर्ट एक्टिंग चाहिए अपन को, फटाफट काम करने वाली चाहिए, और वापस भी तो होना चाहिए, कि जरूरी थोड़ी ऐसा होना चाहिए, रिवर्सिबल भी चाहिए। तो इस कंडीशन में अपन क्या यूज़ करते हैं,
टोलाजोलाइन, टोलाजोलाइन इज ए चीज रिएक्शन के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है। चीज रिएक्शन क्या हो गई, वो ये रही, ठीक है। वैसे ही एक और है क्लोनिडिन विड्रोल। एक पेशेंट है वो लंबे समय तक क्या कर रहा है, क्लोनिडिन खा रहा है, और जैसे ही उसने क्लोनिडिन को ख़त्म कर दिया, डोज बंद किया, वैसे ही उसका जो बीपी है वो सडनली बड़ा हो गया। इसको बोलते हैं रिबाउंड हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं, रिबाउंड हाइपरटेंशन। इसमें क्या हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है सडनली, तो इस कंडीशन में भी अपन को क्या करना है, बीपी को कम करना है, ठीक है। क्योंकि क्लोनिडिन जो है वो क्या है, अल्फा टू एगोनिस्ट होती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अपन क्या देंगे, इस कंडीशन में अपन नॉन सिलेक्टिव बट रिवर्सिबल क्या देंगे, नॉन सिलेक्टिव पर रिवर्सिबल एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग देंगे, जैसे कि टोलाजोलाइन या फिर पेंटाजोलाइन, ठीक है। दो टाइप की ड्रग्स हो गई अपने पास में, ठीक है, नॉन सिलेक्टिव के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट बात करते हैं अपन सिलेक्टिव अल्फा वन ब्लॉकर की, सिलेक्टिव अल्फा वन ब्लॉकर की। इसके अंदर एक नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, कौन सा नाम, जोसिन। जो भी ड्रग जोसिन में ख़त्म होती है, मोस्टली वो ड्रग जो है वो अल्फा वन ब्लॉकर्स होती है, जैसे कि प्राजोसिन, और कौन सी हो गई, डोक्साजोसिन, ठीक है, एल्फोजोसिन और टेराजोसिन, ठीक है। जो भी ड्रग्स जोसिन में ख़त्म हो रही है वो ड्रग्स मेजरली क्या होती है, अल्फा वन ब्लॉकर्स होती हैं। ये ड्रग्स किस में देते हैं, हाइपरटेंशन प्लस बीएचपी। बीएचपी बता था आपको, जो प्रोस्टेट के अंदर जो कैंसर हो जाता है, जिससे कि बेसिकली क्या हो रहा है, यूरिन आउटफ्लो कम हो रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अपन क्या है, इन ड्रग्स को देते हैं, और ये जो ड्रग्स हैं दे आर बेटर टू गिवन एट बेड टाइम, ठीक है। बेड टाइम पर जब आदमी सोता है उससे पहले देनी चाहिए ये, ठीक है। और साथ ही साथ अपन ने देखा था इसको किस में देते हैं अपन, माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन के अंदर। अपन ने पहले पढ़ा था माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन के अपन इसको यूज़ करते हैं, और दिस डू नॉट को सीवियर टैकीकार्डिया, ठीक है। सीवियर टैकीकार्डिया कौन करेगा, सिर्फ नॉन सिलेक्टिव, जिसमें अल्फा और अल्फा टू दोनों को ब्लॉक कर रहे हैं, इसमें सिर्फ अल्फा को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है, अल्फा वन को ब्लॉक कर रहे हैं, इसलिए इट इज डू नॉट कोस, ठीक है, वो भी लिख लो, डू नॉट कोस सीवियर टैकीकार्डिया, ठीक है, डू नॉट कोस सीवियर टैकीकार्डिया, ठीक है। कुछ साइड इफेक्ट्स हैं इस ड्रग के, सब मेजर साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस ड्रग्स, जैसे कि फर्स्ट डोज हाइपरटेंशन। इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन। मतलब जैसे ये दवाई दी और पेशेंट ऑर्थो मतलब पैरों पे, ऑर्थो मतलब हड्डियाँ हो गई, तो ऑर्थो मतलब सिंपल से याद रखो पैरों पे। जैसे इंसान अपने पैरों पे खड़ा होने लगेगा उसकी बीपी सडनली गिर जाएगी, जैसे ही व्हेन पेशेंट स्टैंड्स, जैसे ही पेशेंट क्या करेगा, स्टैंड करेगा, खड़ा होगा ये दवाई लेने के बाद में, वैसे ही पर्सन की बीपी सडनली गिर जाएगी, ठीक है, सडन शार्प इन बीपी, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट डोज हाइपरटेंशन या ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन, ठीक है। एक और नाम है इसका, इसका नाम है पोस्टर्नल हाइपरटेंशन, ठीक है। तीन नाम हो गए, फर्स्ट डोज हाइपरटेंशन, ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन और पोस्टर्नल हाइपरटेंशन। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जैसे ही पेशेंट ने ड्रग ली और खड़ा होने गया तो उसके बीपी सडनली गिर जाएगी, सो दिस ड्रग्स बेटर टू गिव एट बेड टाइम, ठीक है। जब पेशेंट सोता है तब इसको ये दवाई देनी चाहिए ताकि वो खड़ा ना हो, ठीक है। अब ये जो अल्फा ब्लॉकर थे, इन अल्फा ब्लॉकर को मैं दो टाइप से लिखता हूँ, अल्फा वन ए और अल्फा वन बी। ए का मतलब हो गया प्रोस्टेट और बी का मतलब हो गया ब्लड वेसल्स, ठीक है। एक हो गया प्रोस्टेट और एक हो गया बीपी, क्योंकि अपन ने इधर देखा था कहाँ गया, ये हाइपरटेंशन में भी यूज़ होती है और बीएचपी में भी यूज़ होती
है, ठीक है। सो बेसिकली अगर मान लो कोई पेशेंट है जिसको हाइपरटेंशन है, और अपन को पता है बहुत से जितने भी पेशेंट हैं ओल्डर एज है उनको BHH, अगर BPH या BHP जो भी है अगर ये है तो इसके साथ में हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, बहुत कॉमन है, ठीक है। तो इन कंडीशन में तो अपन ये ड्रग्स देंगे, पर अगर कोई पेशेंट है जिसको BPH है बट विदाउट हाइपरटेंशन है, इसको हाइपरटेंशन नहीं है, मतलब पेशेंट को BPH तो है पर हाइपरटेंशन नहीं है, तो इस कंडीशन में अपन दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे 1α1A, क्योंकि दिस ड्रग्स डू नॉट कॉज पोस्टर्नल हाइपरटेंशन। ये जो BP गिरने वाला जो सिम्टम था, साइड इफेक्ट था, वो α1A जो है वो नहीं करता, ठीक है। तो अगर मान लो कोई पेशेंट है जिसमें BPH है और हाइपरटेंशन नहीं है, विदाउट हाइपरटेंशन BPH है, तो उसके अंदर अपन α1A जो है वो देंगे, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ ड्रग इज नोन एज α1A, ठीक है। सो दो टाइप की ड्रग हो गई अपने पास, एक ड्रग ऑफ चॉइस ऐसी है जिसमें अपने पेशेंट को BPH है और उसके साथ में उसको हाइपरटेंशन है, तो इस कंडीशन में अपन कौन सी देंगे, अपन उनको बताएं, जोशीन वाली ड्रग्स, प्राजोशीन हो गई, ठीक है। बट दे आर गुड टू गिव एट बेड टाइम बिकॉज ऑफ पोस्टर्नल हाइपरटेंशन, ठीक है, अपन इसको बेड टाइम पर सजेस्ट करते हैं। लेकिन अगर मान लो ड्रग ऑफ चॉइस BPH है बट विदाउट हाइपरटेंशन है, BPH तो है पर हाइपरटेंशन नहीं है, तो इस कंडीशन में अपन क्या यूज़ करेंगे, α1A ब्लॉकर, ठीक है। और α1A ब्लॉकर के एग्जांपल्स हैं टामसुलोसिन और सिलोडोसिन, ठीक है, टामसुलोसिन और सिम्लोडोसिन, ठीक है। तो दो टाइप के टामसुलोसिन और सिलोडोसिन जो होता है वो α1A जो है, ये बेसिकली मेजर काम क्या है इनका, BPH को ठीक करना विदाउट हाइपरटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं α1 ब्लॉकर्स, ये किस में बात की थी अपन ने, ये पूरा अपन ने किस में बात किया था, ये अभी तक अपन ने बात किया था प्रोस्टेट के अंदर, हाइपरटेंशन के अंदर, मतलब प्रोस्टेट और ब्लड वेसल के अंदर। अब अपन बात करते हैं α1 ब्लॉकर इन आई, आपको पता है सिम्पेथेटिक सिस्टम जो है वो आई में क्या करता है, माइड्रियासिस करता है, और माइड्रियासिस मतलब क्या होता है, डाइलेशन। तो अपन को अब क्या करना है, अगर अपन α1 ब्लॉक कर रहे हैं मतलब अपन को क्या चाहिए, अपन को रिक्वायर्ड एक्शन क्या है, रिक्वायर्ड एक्शन है अपने पास मियोसिस मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सो α1 रिसेप्टर क्या करता है, माइड्रियासिस करता है, α1 रिसेप्टर क्या करता है, माइड्रियासिस करता है, और α1 ब्लॉकर क्या करेगा, उल्टा मियोसिस करेगा, ठीक है। ये चीज़ कभी भी फार्मा कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़ हो गए तो पूरी फार्मा ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अल्फा जो चीज़ क्या करती है और उसको ब्लॉक करने से क्या इफेक्ट आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे कि मान लो अगर अपन को माइड्रियासिस चाहिए तो अपन क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, α1 एगोनिस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे, और अगर अपन को मियोसिस चाहिए तो अपन क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, अपन क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, α1 एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मियोसिस लिखा है MIA, ठीक है। सो इफ अ पेशेंट, अब α1 की बात करते हैं, α1 एंटागोनिस्ट की बात करते हैं, α1 एंटागोनिस्ट या α1 ब्लॉकर की बात करते हैं, इसमें क्या हो रहा है, अगर कोई पेशेंट को कैटरेक्ट है, किसी पेशेंट को क्या है, कैटरेक्ट है, मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं हिंदी में, कैटरेक्ट है, तो वी नीड टू कोस माइड्रियासिस, अपन को क्या करना पड़ेगा, माइड्रियासिस करना पड़ेगा, ठीक है, अपन को माइड्रियासिस करना पड़ेगा ताकि अपन उसके अंदर से निकाल लें। बट इफ़ अ पर्सन इज ऑलरेडी ऑन α1 ब्लॉकर, अगर अपन ने पहले से किसी को α1 ब्लॉकर दे रखी है, α1 ब्लॉकर क्या करेगा, मियोसिस करेगा, माइड्रियासिस नहीं करने देगा, तो अपन को कैटरेक्ट है, अपन को माइड्रियासिस करना है, लेकिन α1 ब्लॉकर क्या कर रहा है, मियोसिस कर रखा है, आँखों में मियोसिस कर रखा है, और अपन ने क्या दे दिया, α1 एगोनिस्ट दे दिया साथ में किसके, α1 ब्लॉकर के, अब आई क्या होगा, पागल हो जाएगा, जैसे कि तुम हो रहे हो, पागल हो जाएगा कि भाई करना क्या जाता है, α1 एगोनिस्ट क्या करेगा, माइड्रियासिस करेगा, α1 ब्लॉकर क्या करेगा, मियोसिस करेगा, अब आग पागल हो गई कि भाई करना क्या चाहते हो। तो इसके अंदर क्या होगा, आयरिस जो है
आयरिस जो है इसको दो सेट, इसके पास टू सेट्स ऑफ एक्शन मिल रहा है, इसके पास टू सेट्स मतलब इसको माइटोसिस भी करना और मियोसिस भी करना एट द सेम टाइम, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, द आयरिस गेट कन्फ्यूज, आयरिस गेट कन्फ्यूज एंड दिस सेट इज नोन एज फ्लोपी आयरिस सिंड्रोम। क्या बोलते हैं इसको, फ्लोपी आयरिस सिंड्रोम। इसलिए आपने सुना होगा, देखा होगा, डॉक्टर हमेशा कोई भी दवाई देने से पहले पूछता है कि भाई आपको कोई बीमारी तो नहीं है या फिर आप किसी पर्टिकुलर डोज पर तो नहीं हो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि अपन पढ़े थे, ठीक है। अब अपन पर्टिकुलरली बात करते हैं अल्फा वन की ही, जिसमें अपन बात करते हैं प्राजोसिन की। कुछ अदर यूजेज हैं प्राजोसिन के, सो इट इज़ बेसिकली अदर यूजेस ऑफ प्राजोसिन। प्राजोसिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है स्क्रोपियन स्टिंग की, स्क्रोपियन स्टिंग। स्क्रोपियन मतलब केकड़ा, केकड़ा काटता है तो स्क्रोपियन स्टिंग जो होता है वो, ठीक है, स्क्रोपियन स्टिंग जो होता है उसका इम्पोर्टेंट। दूसरा है हाइपरटेंशन, ठीक है। तीसरा है BPH प्लस हाइपरटेंशन, ठीक है। और एक और है रेनॉल्ड्स डिसीज, ठीक है। ये कंडीशन है जिसमें अपन क्या यूज़ करते हैं, प्राजोसिन यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शंस यूज़ होती है इसमें। तो ये सारा था आपका अल्फा ब्लॉकर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बीटा ब्लॉकर की। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, बीटा ब्लॉकर की। बीटा ब्लॉकर कहाँ यूज़ हो रहा है, बीटा ब्लॉकर जो होता है ये भी आपके अल्फा वन ब्लॉकर की तरह तीन टाइप का होता है। पहला बीटा वन प्लस बीटा टू नॉन सिलेक्टिव, क्योंकि ये दोनों में से किसी को भी कर सकता है। एक है बीटा वन ब्लॉकर सिलेक्टिव हो गया, और एक हो गया बीटा टू ब्लॉकर जो कि सिलेक्टिव हो गया, ठीक है। बीटा वन प्लस बीटा टू, बीटा वन ब्लॉकर और बीटा टू ब्लॉकर, ठीक है। तो टोटल तीन टाइप के हो गए। अब इनमें से बीटा टू ब्लॉकर जो है, बीटा टू सिलेक्टिव ब्लॉकर जो है, दे आर नॉट क्लिनिकली यूज्ड। अपन को सिर्फ एग्जांपल याद रखना है, नॉट क्लिनिकली यूज्ड। एग्जांपल ब्यूटोक्सामाइंस, ठीक है, ब्यूटोक्सामाइंस, ठीक है। दे आर नॉट यूज्ड क्लिनिकली। सो अपन को इधर तक ही अपनी जर्नी बीटा टू एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट के साथ इधर तक की थी। अब मेजरली बीटा वन कहाँ था, कहाँ था बीटा वन, बीटा वन जो था वो हार्ट में था। तो अगर अपन को कोई दवाई चाहिए जो हार्ट के लिए स्पेसिफिक हो, कार्डियक यूजेस स्पेसिफिक हो, तो वो कौन सी हो गई, बीटा वन एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, सॉरी कार्डियक। पर इसमें बीटा वन और बीटा टू दोनों हैं, तो दे आर कार्डियक तो हैं। क्यों कार्डियक हैं, क्योंकि बीटा वन है इसमें, पर ये साथ में इसके पास एक्स्ट्रा कार्डियक, एक्स्ट्रा कार्डियक मतलब हार्ट से अलग हटकर भी यूजेस होते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें अपन को फिर पढ़नी है, नॉन सिलेक्टिव और सिलेक्टिव। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे अपन, नॉन सिलेक्टिव की बात करते हैं। नॉन सिलेक्टिव मतलब बीटा वन प्लस बीटा टू ब्लॉकर, ठीक है, दोनों को ब्लॉक कर रखा है अभी अपन ने। इस कंडीशन में क्या होगा, नॉन सिलेक्टिव बीटा वन बीटा टू ब्लॉकर की बात कर रहे थे अपन। इसके अंदर देखो कंडीशन ये है, ये बीटा वन को भी ब्लॉक करता है और बीटा टू को भी ब्लॉक करता है। तो इसके अंदर अपन इसके यूजेस पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे कि जो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं आपके, ये किस कंडीशन में अवॉइडेड होते हैं, ठीक है, किस कंडीशन में अपन को देना ही नहीं चाहिए इसको, ठीक है, अवॉइडेड किस किस कंडीशन में। तो आपको तीन कंडीशन याद रखनी है, पहली दूसरी और तीसरी। पहली कंडीशन है ब्रोंकस, ठीक है, दूसरी कंडीशन आपकी ब्लड वेसल्स, और तीसरी कंडीशन है लीवर, ठीक है। सबसे पहले तो इसका यूजेस क्या, देखो जो बीटा है, बीटा रिसेप्टर्स, वो करते क्या है, ब्रोंकस में क्या करेंगे, ये ब्रोंको डायलेशन कर देंगे, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या करेंगे, ये वेसो डायलेशन कर देंगे, और लीवर के अंदर क्या करेंगे, ये जो ग्लूकोज कम हुई थी आपकी, जो ग्लूकोज कम हुई थी इसको बेसिकली क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, ठीक है। आपने पढ़ा था हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया में क्या हो रहा है, ग्लूकोज कम हो रही है तो उसको रिवर्स करने का काम कौन कर रहा है, लीवर कर रहा है। तो ये बीटा एगोनिस्ट, ये बीटा का काम है,
ठीक है। लेकिन अब अपन क्या दे रहे हैं, बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं। तो बीटा ब्लॉकर देने से क्या होगा, ब्लड जो डायलेशन हो रही थी वहाँ पर क्या होगा, ब्लड ब्लड वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन, सॉरी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। जहाँ पर वेसल डायलेट कर रही थी यहाँ पर वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी, और जहाँ पर ग्लूकोज कम हो रही थी, देखो सॉरी यहाँ पर रिवर्स ग्लूकोज को जो कम करना था वो रिवर्स कर रहा था, अब यहाँ पर क्या होगा, ग्लूकोज बढ़ जाएगी। ठीक है, ये रिवर्स कर दिया बेसिकली अपन ने। ठीक है, तो इस कंडीशन में बीमारियाँ क्या हो जाएगी, अगर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है मतलब ये तो बीमारी हो जाएगी, अस्थमा हो जाएगा पेशेंट को। ठीक है, अगर अपन ने ब्रोंकस के अंदर ये दे दिया तो अस्थमा हो जाएगा। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन पीवीडी मतलब रेनॉल्ड्स डिसीज। ठीक है, और अगर ग्लूकोज बढ़ा हुआ है मतलब डायबिटिक मेलिटस। ठीक है, इसलिए अपन जो बीटा है, बीटा ब्लॉकर्स हैं, वो इन तीन कंडीशन में अवॉइड रखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लो इनको देना हो तो क्या देंगे, अपन दूसरी ड्रग्स देंगे जिनके अंदर ये प्रॉपर्टीज नहीं होती है। ठीक है, बेसिकली अब देखो बीटा वन बेसिकली अपने पास कहाँ था, मेजरली बीटा वन जो है वो हर्ट में था, पता आपको, मेजरली बीटा वन हर्ट में था। तो इसके लिए आपको पता एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि कार्डियक यूजर्स के लिए अपन मोस्टली किसकी यूज़ करेंगे, बीटा वन ब्लॉकर्स की यूज़ करेंगे, और अगर एक्स्ट्रा कार्डियक यूजर्स है तो अपन बीटा वन और बीटा टू मतलब नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं उसी की, कार्डियो सिलेक्टिव, किसकी, कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। ठीक है, तो बेसिकली अपन बात किसकी कर रहे हैं, बीटा वन की। ठीक है, बीटा वन की, इसके अंदर जो ड्रग्स यूज़ हो रही है कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स के अंदर, जो ड्रग्स यूज़ करते हैं अपन या जो ड्रग्स पढ़ेंगे उसको बोलते हैं सेकेंड जनरेशन ड्रग्स। ठीक है, कौन सी ड्रग्स हैं ये सारी, सेकेंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, सेकेंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स। कौन कौन सी दवाइयाँ आपको पता, जितने भी बीटा ब्लॉकर्स है वो लॉल में ख़त्म होती है, किस में ख़त्म होती है, लॉल में सबके पीछे लॉल, याद रखो सबके पीछे लॉल याद रखो। कौन कौन सी दवाइयाँ हो गई, सबसे पहले नेबिवोलोल, ठीक है, दूसरी हो गई बिटॉक्सोलोल, ठीक है, फिर हो गई बिजोप्रोलोल, ठीक है, फिर हो गई एसीब्यूटोलोल, ठीक है, एस्मोलोल, एटिनोलोल, मेटोप्रोलोल, ठीक है, और लास्ट है आपकी कैलीप्रोलोल। ठीक है, तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जो कि आपकी कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स में आती है। कौन कौन सी है, नेबिवोलोल, बिटॉक्सोलोल, बिजोप्रोलोल, एसीबिटोलोल, इस्मोलोल, एटिनोलोल, मेटोप्रोलोल और सेलीप्रोलोल। ठीक है, दिस ड्रग्स आर, ये जितने भी ड्रग्स हैं ये कैसी ड्रग्स हैं, सेकेंड जनरेशन ड्रग्स हैं। ठीक है, सेकेंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स होती है। ठीक है, दिस ड्रग्स, ये जो ड्रग्स हैं, दिस ड्रग्स आर सेफ इन, कौन सी, किस किस में सेफ है, अस्थमा, पीवीडी मतलब रेनॉल्ड्स डिसीज और डायबिटिक मेलिटस, इन तीन कंडीशन में। क्योंकि ये जो दवाइयाँ थी आगे अपन ने ऊपर पढ़ी थी, जो बीटा वन नॉन सिलेक्टिव थी, जो ये सब थी फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन जो है वो क्या होती है, अवॉइडेड है, लेकिन सेकेंड जनरेशन आर सेफ इन दिस ड्रग्स। ठीक है, तो ये होगा अपना पहला कार्डियो सिलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकर, या इसको बोलते हैं सेकेंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर। तो इसमें से कोई भी दवाई आ जाए आपके सामने, ठीक है, तो वो सारी कैसी है, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट सेकेंड जनरेशन है। ठीक है, इसको तीन कंडीशन में दे सकते हैं, जहाँ पर अपन ने उसको नॉन सिलेक्टिव को अवॉइड कर रखा था, और साथ ही साथ दे आर सेफ इन, सॉरी दे आर ओनली सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटीज़ की।
थर्ड वन इंट्रेंसिक सिंपैथो मैमेटिक्स एक्टिविटीज, ठीक है, इसको शॉर्टली बोलते हैं ISA, ठीक है, इंट्रेंसिक सिंपैथो मैमेटिक एक्टिविटी। इस ड्रग की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, दिस ड्रग्स आर पार्शियल एगोनिस्ट। कैसे हैं? पार्शियल एगोनिस्ट। अब इसका क्या मतलब होता है पार्शियल एगोनिस्ट का? दिस ड्रग्स आर पार्शियल एगोनिस्ट, मतलब ये देखो पार्शियल एगोनिस्ट, एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है? जो स्टिमुलेट करता है, ठीक है, लेकिन पार्शियल एगोनिस्ट क्या है? ऐसी चीज जो ना तो कंप्लीटली ब्लॉक करे, ना तो कंप्लीटली ब्लॉक करे, ठीक है, नाइदर कंप्लीटली ब्लॉक और ना तो कंप्लीटली स्टिमुलेट करें, नॉर कंप्लीटली स्टिमुलेट, मतलब ऐसी ड्रग्स जो ना तो कंप्लीटली या एक चीज है उसको बढ़ा रहे हैं और एक चीज एक ड्रग है उसको घटा रही है, लेकिन जो एगोनिस्ट होता है वो बढ़ाता है और जो एंटागोनिस्ट होता है वो घटाता है, लेकिन पार्शियल एगोनिस्ट है जिसमें ये वाली प्रॉपर्टी भी है और ये वाली प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है, सो दिस ड्रग्स आर नोन एज पार्शियल एगोनिस्ट। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, देखो आप जैसे कि एक मान लो कि एक रिसेप्टर है, कोई एक रिसेप्टर है, ठीक है, ये एक रिसेप्टर क्या कर रहा है आपका, ये स्टिमुलेट कर रहा है हार्ट रेट को, जैसे कि एक रिसेप्टर ने हार्ट रेट स्टिमुलेट की 10,000, ठीक है, एक रिसेप्टर ने कितनी की 10 हार्ट रेट, ठीक है, मतलब ये नॉर्मल पर्सन की बात कर रहे हैं अपन, नॉर्मल पर्सन की बात कर रहे हैं, एक रिसेप्टर जो है बॉडी के अंदर वो क्या कर रहा है 10 हार्ट रेट को स्टिमुलेट कर रहा है। वहीं अगर अपन बात करें कि 10 रिसेप्टर्स हैं वो क्या करेगा 10 × 10 100 हार्ट रेट, ठीक है, नॉर्मल 100 हार्ट रेट। अब अगर मान लो कोई पर्सन, ये जो नॉर्मल पर्सन है, ये बीटा ब्लॉकर लेता है, क्या लेता है बीटा ब्लॉकर, तो बीटा ब्लॉकर क्या करेगा, जो 20% ऑफ रिसेप्टर है वो बाइंड कर जाएगा, 20% ऑफ रिसेप्टर बीटा ब्लॉक कर देगा, ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, रिसेप्टर तो ब्लॉक हो गया, अपने पास नॉर्मल कितना था 100 100 माइनस 20 80, ठीक है, 80 हार्ट रेट, किस में, नॉर्मल पर्सन में, जो हार्ट रेट भी कैसा है नॉर्मल है, अब 80 तो टॉलरेबल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी पेशेंट को, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है, ना तो ये हाई है ना लो है, ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल पर्सन, अगर कोई नॉर्मल पर्सन क्या लेता है बीटा ब्लॉकर लेता है। पर एक केस है, इस केस में क्या हो रहा है, ये जो पेशेंट है आपका, ये पेशेंट कैसा बताए, बीटा ब्लॉकर सेंसिटिव, कैसा है बीटा ब्लॉकर सेंसिटिव। बीटा ब्लॉकर सेंसिटिव मतलब क्या होता है कि ये जो आपका 20% हो रहा था, जो आप पेशेंट बीटा ब्लॉकर लेने के बाद 20% हो रहा था, वो 20% ना होकर कहाँ चला जाएगा 80% हो जाएगा, कितना 80%, क्योंकि ये क्या कैसा है, ये सेंसिटिव है, कैसा सेंसिटिव है, मतलब बीटा ब्लॉकर से सेंसिटिव है ये, और सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि ये ज़्यादा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहा है, और अगर ये ज़्यादा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा तो 100 में से 80 गए तो कितनी बची 20 हार्ट रेट, और 20 का मतलब क्या होता है सीवियर ब्रेडिकार्डिया, ठीक है सीवियर ब्रेडिकार्डिया, तो इस कंडीशन में तो अपन ब्लड क्या बोलते हैं बीटा ब्लॉकर तो दे ही नहीं सकते इसको, ठीक है, इस पेशेंट को तो अपन बीटा ब्लॉकर तो दे ही नहीं सकते, तो अपन क्या देंगे, अपन इस कंडीशन में अपन इसको प्रेफर करेंगे आईएसए, मतलब इंट्रेंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी, ठीक है, इस ये जो आईएसए है इसके अंदर जो ड्रग्स इंक्लूडेड होती है वो ड्रग्स अपन प्रेफर करेंगे फॉर इसके लिए। अब एक क्वेश्चन है कि अपन को कैसे पता चलेगा कि पर्सन है वो नॉर्मल है या सीवियर सेंसिटिव है, अपन को कैसे पता पड़ेगा कि वो नॉर्मल है या सेंसिटिव है, सो व्हेन वी प्रिस्क्राइब बीटा ब्लॉकर वी शुड मॉनिटर, अपन को क्या मॉनिटर करना है बताओ, अपन क्या मॉनिटर करेंगे एट द टाइम व्हेन वी गिव बीटा ब्लॉकर्स, वी मॉनिटर हार्ट रेट, क्या मॉनिटर करेंगे अपन, हार्ट रेट,
कि भाई हर्ट रेट जो है वो बीटा ब्लॉकर देने के बाद में कैसी रिस्पॉन्ड कर रही है। अगर मतलब मान लो कि वो नॉर्मल है, 60-80 के बीच में है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर वो बिलो 60 जा रही है, ठीक है, बिलो 60 जा रही है, ठीक है, या फिर बिलो 70 जा रही है, देन वी शुड दैट की पेशेंट जो है वो बीटा ब्लॉकर सेंसिटिव है, और उसके अंदर इमिडिएटली वी हैव टू स्टॉप द बीटा ब्लॉकर एंड स्टार्ट टू ISA ड्रग्स। अब कौन कौन सी ISA ड्रग्स हैं जो कि अपन को पढ़नी है, इसमें भी देखो जितने भी आपकी बीटा ब्लॉकर्स, जितने भी ब्लॉकर्स हैं बीटा ब्लॉकर्स, वो सारे कैसे होते हैं, लॉल में ख़त्म होते हैं, ठीक है। तो मैं लॉल लिख देता हूँ। इतनी ड्रग्स आपको याद करनी है, कितनी, 4 ड्रग्स ISA ड्रग्स के अंदर। सबसे पहली है सेलीप्रोलोल, पहली कौन सी है, सेलीप्रोलोल। नेक्स्ट है पिंडोलोल, ठीक है, फिर तीसरी है आपकी एल्प्रिनोलोल, और लास्ट है आपकी एसीब्यूटोलोल, ठीक है। तो ये 4 दवाइयाँ हैं जो कि कैसी हैं, ISA ड्रग्स हैं, जो कि मेजरली इसमें दी जाती है, जो कि आपके बीटा ब्लॉकर सेंसिटिव होती हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी, किसके अंदर, नॉन सेलेक्टिव के अंदर। एक और प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी, नेक्स्ट बात करते हैं अपन तीसरी प्रॉपर्टी की। तीसरी प्रॉपर्टी है आपकी MSP, कौन सी, MSP मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजिंग मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजिंग प्रॉपर्टी, क्या होती है, मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका एक और नाम है आल्सो नोन एस सोडियम चैनल ब्लॉकिंग, सोडियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है, सोडियम चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। और एक और नाम है इसका आल्सो नोन एस लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, किसका नाम है, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। अब इनका मेजरली काम क्या है, ठीक है, सबसे पहले तो इसका यूज़ देख लेते हैं। सबसे मेन यूज़ MSP का एक बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ है, दे आर यूज्ड टू ट्रीट अरिथमियास, किसको ट्रीट करने के लिए, अरिथमियास के लिए। अरिथमिया पता है आपको, अरिथमिया को ट्रीट करने के लिए वी शुड प्रिस्क्राइब MSP ड्रग्स। MSP मतलब होता है ऐसी जो कि सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दे। सोडियम चैनल को ब्लॉक करने से क्या होगा, देखो सोडियम चैनल क्या करता है बेसिकली, NA जो है वो क्या करता है, ये सेल के इनसाइड और आउटसाइड मूवमेंट को बैलेंस करता है, ठीक है। सोडियम क्या करता है, सेल के इनसाइड और आउटसाइड को बैलेंस करता है, और अगर ये सेल के NA को अपन ब्लॉक कर दे तो क्या होगा, जो सेल है आपकी वो कैसी हो जाएगी, स्टेबलाइज हो जाएगी, ठीक है। तो वी हैव टू स्टेबलाइज कौन, क्या, या तो सेल भी हो सकती है, न्यूरॉन भी हो सकता है, अपन दोनों कंडीशन में अपन किसको ब्लॉक कर रहे हैं, NA को ब्लॉक कर रहे हैं, इसलिए इसको लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, क्योंकि ये NSA टाइप इसको स्टेबल या फिर रिलैक्स कर देता है, ठीक है। सो दे आर यूज्ड इन टू ट्रीट एरिथमियास, एरिथमियास के अंदर जो हर्ट, जो हड़बड़ाई कर रहा है उसको अपन शांत करते हैं, ठीक है। अब ये जो LA की प्रॉपर्टी थी, LA मतलब लोकल एनेस्थीसिया, ना कि लॉस एंजलस, लोकल एनेस्थीसिया, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द आइस। ये किसके लिए हार्मफुल है, आइस के लिए। देखो क्यों, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, ये जो LA प्रॉपर्टी है आपकी, ये आपके आइस के लिए हार्मफुल है, ठीक है, आइस के लिए कैसी है, हार्मफुल है। अब क्यों हार्मफुल है, देखो कॉर्निया जो है, आपने देखा कॉर्निया, ब्लैक कलर का कॉर्निया आता है आपने अंदर, ठीक, इसकी कोई फिक्स नर्व नहीं है, क्योंकि ये एक सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी फाइबर सीक्रेट करता है, इसको ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है आपकी, इसके बहुत सारे सेंसरी फाइबर्स जो हैं उसके अंदर अटैक रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, सेंसिटिव रिजल्ट है, जिससे कि
जैसे कि मान लो कोई कॉर्निया है, इसके ऊपर कुछ कुछ भी हल्का सा भी अड़ जाए, इसके अंदर बहुत सारे ट्राइजेमिनल नर्व्स होती हैं, ठीक है, तो हल्का सा भी कुछ अड़ गया तो अचानक से क्या होगा, आईज क्लोज हो जाएगी इन रिस्पॉन्स टू कॉर्नियल रिफ्लेक्स, ठीक है, इसके रिस्पॉन्स में कॉर्नियल रिफ्लेक्स के रिस्पॉन्स में, ठीक है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स। अब जैसे कि कोई भी कुछ हल्का छोटा सा भी दाना अड़ गया, क्योंकि आईज जो होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है और कुछ छोटी सी चीज़ से भी उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, तो ये डस्ट पार्टिकल्स या जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं उससे बताती है, सॉरी जितने भी ये डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं उससे बताती है और एक रिफ्लेक्स देती है, जैसे कुछ अट गया तो वैसे ही आँख क्या क्लोज हो जाएगी, इसको बोलते हैं कॉर्नियल रिफ्लेक्स। ये जो कॉर्नियल रिफ्लेक्स है ये क्या है, बेसिकली प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, क्योंकि आँख को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, इट्स प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। लेकिन अपन क्या दे रहे हैं, लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी, जिसमें एनए जो होता है वो ब्लॉक हो रहा है, एनए को स्टेबलाइज कर रहे हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये जो कॉर्नियल रिफ्लेक्स ट्राइजेमिनल वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये बेसिकली इनहिबिट हो जाएगा, कॉर्नियल रिफ्लेक्स जो है सीआर, इट्स इनहिबिटेड, कैसा हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। व्हेन वी गिव, कब, जब अपन बीटा ब्लॉकर देंगे बाय गिविंग विथ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी, सो उससे क्या होगा, कॉर्निया जो होगा वो डैमेज हो जाएगा, एंड आई नॉट एबल टू क्लोज प्रॉपरली व्हेन दे नीड, जब भी उसको ज़रूरत होगी तब वो आई क्लोज नहीं हो पाएगी। सो एज अ रिजल्ट ये जो ड्रग्स है, दिस ड्रग्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ग्लोकोमा, ठीक है, अगर आप आँख की बात कर रहे हैं तो ग्लोकोमा, ग्लोकोमा वाले पेशेंट्स में अपन ये वाली ड्रग्स नहीं देंगे, कौन सी, MSP मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी वाली ड्रग्स अपन नहीं देंगे। मेजरली किस में देंगे अपन इसको, एरिथमिया से देंगे, और किस में नहीं देंगे, ग्लोकोमा में देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये कॉर्नियल रिफ्लेक्स के कारण, क्योंकि कॉर्नियल रिफ्लेक्स को बंद कर देगा, ठीक है। अब कौन सी ड्रग्स हैं जो कि MSP में आती है, ठीक है, जिसके अंदर मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी है, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट या मैक्सिमम स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी है वो आपने सुना होगा बहुत बार, प्रोपेनोलोल, किसकी, प्रोपेनोलोल के अंदर मैक्सिमम मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, इसलिए मैक्सिमम जो MSP ड्रग है वो भी मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग भी प्रोपेनोल के अंदर ही होती है। और भी ड्रग्स है जैसे कि मेटोप्रोलोल, लेबिटालोल, लेबिटालोल, एसीब्यूटोलोल और पिंडोलोल, ठीक है। प्रोपेनोलोल हैव अ मैक्सिमम मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी। इसकी एक ट्रिक भी है, पजेस मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, पजेस मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी, प्रोपेनोल हैव मैक्सिमम MSP या फिर मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये था आपका कौन सा, MSP ड्रग्स का। अब इसमें से एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, देखो इसमें से आपने नाम देखा एसीब्यूटालोल, इस एसीब्यूटालोल की एक बहुत राज की बात पता है मेरे को, इस एसीब्यूटालोल की एक राज की बात बताऊं, बीटा ब्लॉकर की तीन प्रॉपर्टीज पढ़ी अपन ने, कौन कौन सी तीन पढ़ी, कार्डियो सिलेक्टिव, ISA और MSP, ये तीनों के तीनों प्रॉपर्टी जो है वो एसीब्यूटालोल के अंदर होती है, तीनों के तीनों प्रॉपर्टी एसीब्यूटालोल के अंदर होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से अपने एसीब्यूटालोल जो है वो क्वेश्चन वाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरी हो गई ना, चौथी प्रॉपर्टी की, चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, चौथी प्रॉपर्टी हो गई आपकी वाटर सोल्यूबल की, वाटर सोल्यूबिलिटी, ठीक है, वाटर सोल्यूबिलिटी। सबसे पहले वाटर सोल्यूबिलिटी है, तो दिस जो ये बीटा ब्लॉकर है ये कैसे है,
वाटर सोल्यूबल है। अपन किसकी बात कर रहे हैं बेसिकली, ऐसे बीटा ब्लॉकर जो कि वाटर सोल्यूबल है, और वाटर सोल्यूबल है तो कांट क्रॉस मेम्ब्रेन। सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग की फार्मा से अपन पढ़ रहे हैं कि अगर वाटर सोल्यूबल है तो मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाएगी, और लिपिड सोल्यूबल है तो मेम्ब्रेन क्रॉस कर पाएगी। तो बेसिकली इसके अंदर, वाटर सोल्यूबल के अंदर कोई भी CNS एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है, एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है, नो, बिग नो टू CNS एडवर्स इफेक्ट, बिकॉज दे कांट क्रॉस मेम्ब्रेन, सो नो रिस्क ऑफ CNS एडवर्स इफेक्ट। बट दिस आर एक्सक्रीटेड बाय किडनी। वैसे मोस्ट ऑफली ड्रग्स जो है वो किडनी के अंदर एक्सक्रीट होती है, लेकिन इसकी बात एक इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो ये मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाती, ठीक है, और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहली बात तो ये याद रखो कि ये एक्सक्रीट होती है किडनी से, ठीक है। ये जो ड्रग है वो एक्सक्रीट किससे होती है, किडनी से होती है, लेकिन ये इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाती है, जिससे कि अगर मान लो रीनल फेलियर है, ठीक है, रीनल फेलियर है मतलब किडनी काम नहीं कर रही है, लेकिन ये एक्सक्रीट कहाँ से होगी, ये दवाई जो वाटर सोल्यूबल बीटा ब्लॉकर्स हैं वो कहाँ से एक्सक्रीट होगी, किडनी से एक्सक्रीट होगी, और किडनी तो फेल है, तो उस कंडीशन में क्या करेगी, एक्यूमुलेट कर जाएगी, क्योंकि ये मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकती। अगर मेम्ब्रेन क्रॉस कर पाती तो वो निकल जाती, मेम्ब्रेन क्रॉस कर निकल जाती, पर ये क्या करेगी, एक्यूमुलेट कर जाएगी, ठीक है, एक्यूमुलेट कर जाएगी किडनी के अंदर, और अगर ये किडनी के अंदर एक्यूमुलेट करेगी तो टॉक्सिसिटी बढ़ा देगी, ठीक है। इस कारण से अपन जो वाटर सोल्यूबल बीटा ब्लॉकर्स हैं ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं रीनल फेलियर में, ठीक है, दिस आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन रीनल फेलियर, डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, सो CNS एडवर्स इफेक्ट में भी कोई दिक्कत नहीं होती। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा CNS इफेक्ट जो है वो पर्टिकुलर बीटा ब्लॉकर से नहीं होता है, तो इसका आंसर है नाइटमेयर्स बहुत कॉमन CNS एडवर्स इफेक्ट है, रात को डरावने सपने आना, ठीक है, नाइटमेयर्स। लेकिन ये वाटर सोल्यूबल के अंदर दिक्कत ही नहीं, क्योंकि ये ब्रेन को, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पाता, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल ड्रग है, ठीक है। अब कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि इसके अंदर यूज़ होती है, वाटर सोल्यूबल बीटा ब्लॉकर्स कौन कौन से हैं, ड्रग्स के अंदर अपन को ANS याद रखना है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एटिनोलोल, नेडोलोल और सुटैलोल, ठीक है, तीन ड्रग्स हैं। इसमें से नेडोलोल जो है वो लॉन्गेस्ट एक्टिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपके वाटर सोल्यूबिलिटी वाले ड्रग्स। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये किडनी से एक्सक्रीट होती है, और अगर रीनल फेलियर है तो ये एक्यूमुलेट कर जाएगी और टॉक्सिसिटी बढ़ा देगी, इसलिए दिस ड्रग्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन रीनल फेलियर। कौन सी, वाटर सोल्यूबिलिटी वाले बीटा ब्लॉकर ड्रग्स, ठीक है। और एक ड्रग, एक प्रॉपर्टी और बच गई अपने पास में, पांचवी, अपन ने फर्स्ट जनरेशन पढ़ी, फर्स्ट जनरेशन वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है तीन कंडीशन में, कौन कौन सी, अस्थमा में और PVD रेनॉल्ड्स डिसीज में और डायबिटिक मेलाइटिस में। फिर सेकंड जनरेशन पढ़ी जो कौन सी थी, कार्डियो सिलेक्टिव थी ना, कौन सी वाली, वो नेबिवोलोल बेटाक्सोलोल वाली सेकंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं थर्ड जनरेशन, बाकी सब तो प्रॉपर्टीज थी अलग अलग, अब अपन पढ़ते हैं थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर। थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर क्या होता है, देखो कोई भी ड्रग अगर उसकी प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी बीटा ब्लॉकर है विच प्रोड्यूस एन एडिशनल प्रॉपर्टी मतलब जो इसका इफेक्ट नहीं है लेकिन अलग से आ रहा है, कौन सा इफेक्ट अलग से आ रहा है, वैसोडाइलेशन का। अगर किसी पर्टिकुलर ड्रग का वैसोडाइलेशन हो रहा है, ठीक है, किसी ड्रग को देने से वैसोडाइलेशन हो रहा है, तो ये जो ड्रग है वो थर्ड जनरेशन के अंदर अपन इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मेजरली अल्फा प्लस बीटा ग्रुप आता है, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स आर
बेसिकली थर्ड जनरेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स भी अपन पढ़ेंगे इसके कि कौन कौन से आपके थर्ड जनरेशन के हैं, जैसे कि लेबिटालोल, लेबिटालोल और कार्वेडिलोल। ठीक है, लेबिटालोल और कार्वेडिलोल, ये जो मोस्ट कॉमन है, ये कार्बिडल जो है वो मोस्ट कॉमनली CHF में यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि ये कैल्शियम चैनल और एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, तो ऐसी ड्रग्स जो अपनी एडिशनल प्रॉपर्टी में वैसोडाइलेशन करती है वो थर्ड जनरेशन में, और एग्जांपल लेबिटालोल और कार्बिडालोल, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इंडिकेशंस की, कि जो ब्लॉकर्स थे अपने बीटा ब्लॉकर्स वगैरह, इनको कहाँ यूज़ करना, अपन दोनों ही पढ़ेंगे, इंडिकेशन भी पढ़ेंगे और कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, इंडिकेशन भी पढ़ेंगे और कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इंडिकेशंस की, कि कहाँ पर अपन इसको यूज़ करेंगे, या फिर अपन यूँ बोल दे सकते हैं कि इंडिकेशंस ऑफ ब्लॉकर्स। ठीक है, इसमें अपन दो ग्रुप्स बांट लेते हैं, एक तो हो गया आपका बीटा वन वाला और एक हो गया बीटा टू वाला। ठीक है, और नॉर्मली नाम से देखो, अगर बीटा वन है तो ये सिर्फ कैसा होगा, कार्डियक इंडिकेशन, मतलब सिर्फ कार्डियक, हार्ट को स्टिमुलेट करेगा, और बीटा टू जो होगा वो एक्स्ट्रा कार्डियक होगा, हार्ट के अलावा भी होगा। ठीक है, तो कौन कौन से यूजेज है, देखो सबसे पहला बीटा वन जो है अपन हमेशा याद रखना, बीटा ब्लॉकर सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ करते हैं, हाइपरटेंशंस में। ठीक है, हाइपरटेंशंस में यूज़ करते हैं। देन एंजाइना में, ठीक है, एंजाइना में एक और है, एंजाइना में दो टाइप के एंजाइनास होते हैं, एक होता है वेरिएंट और एक होता है क्लासिक। अपन इसको वेरिएंट में नहीं यूज़ कर सकते, अपन इसको क्लासिक में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो क्लासिकल एंजाइना। दूसरा मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, तीसरा CHF भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है एक्यूट CHF और एक होता है क्रॉनिक CHF। अपन इसको किस में यूज़ कर सकते हैं, क्रॉनिक CHF में। ठीक है, एक हो गया एरिथमिया, अभी अपन ने पढ़ा था एरिथमियास। ठीक है, किस कंडीशन में पढ़ा था अपन ने एरिथमिया, कि वी शुड ओनली ट्राई एरिथमिया MSP ड्रग्स। ठीक है, MSP में एरिथमिया अपन ने पढ़ा था। ठीक है, और किस में दे सकते हैं अपन, और अपन दे सकते हैं हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, सो दिस, ये हो गया आपकी कार्डियक इंडिकेशन। इन इन कंडीशन में अपन बीटा वन ब्लॉकर दे सकते हैं। किस किस में नहीं दे सकते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस किस में है, एक तो आपकी एंजाइना किस में, वेरिएंट, और CHF कौन सा, एक्यूट वाला। ठीक है, इस कंडीशन में अपन बीटा वन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। और एक्स्ट्रा कार्डियक के अंदर कौन कौन से यूज हो गए, सबसे पहले तो एंजाइटी, अगर एंजाइटी है तो अपन क्या यूज़ करेंगे, एक्स्ट्रा कार्डियक इंडिकेशंस में बीटा टू ब्लॉकर्स को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर अपन इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ग्लोकोमा में भी अपन यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर एक ड्रग भी है टीमोलोल जो है वो ज़्यादातर ग्लोकोमा में यूज़ करते हैं। एकेथीसिया ड्रग ऑफ चॉइस है बीटा टू ब्लॉकर्स। ठीक है, नेक्स्ट माइग्रेन हल्का फुल्का जो माइग्रेन होता है उसके अंदर भी अपन बीटा ब्लॉकर देते हैं। माइग्रेन के अंदर अच्छी दवाई है प्रोपेनोलोल। ठीक है, और एक है ट्रेमर्स, अपन ने ट्रेमर्स पढ़ा था स्केलेटल मसल्स के अंदर, ट्रेमर्स, और ट्रेमर्स के अंदर एक अच्छी दवाई है प्रोपेनोलोल। ठीक है, तो ये कंडीशंस थी जहाँ पर अपन ब्लॉकर्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर बीटा वन कार्डियक इंडिकेशंस और फॉर बीटा टू एक्स्ट्रा कार्डियक इंडिकेशंस। ठीक है, और वैसे ही कुछ जगह पर ये साइड इफ़ेक्ट्स या फिर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है आपके बीटा ब्लॉकर्स, इसके अंदर भी दोनों पार्ट बात कर लेते हैं, बी वन और बी टू के हिसाब से, बीटा वन और बीटा टू के हिसाब से। सबसे पहले ये हार्ट रेट को कम करता है। ठीक है, तो इसको कहाँ यूज, सिक साइनस सिंड्रोम बीटा वन से होता है। ठीक है, कंडक्शन को लो करता है तो ये एवी ब्लॉक कर सकता है, और ये कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी को कम कर देता है। सो जिससे क्या होगा, एक्यूट CHF।
ठीक है। अगर ये हार्ट रेट को कम कर देगा, सिक्स साइनस सिंड्रोम, कंडक्शन को कम कर देगा, एवी ब्लो और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को कम कर देगा, तो एक्यूट CHF, ये इसके साइड इफेक्ट या कॉन्ट्राइंडिकेशन भी बोल सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर बीटा ब्लॉकर तीन चीज़ें बढ़ा रहा है, हार्ट रेट, कंडक्शन और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, तो बीटा ब्लॉकर क्या करेगा, इनको कम कर देगा, ठीक है। तो उसी टाइप से इसके सिम्टम्स भी है, हार्ट रेट को कम कर रहा है, कंडक्शन को कम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को कम कर रहा है। वहीं बीटा टू की बात करते हैं, बीटा टू अस्थमा आपने पढ़ा था पहले ही, अस्थमा, डायबिटिक मेलाइटस, फर्स्ट जनरेशन वाले PVD, रेनॉल्ड्स डिजीज, और एक और एक्स्ट्रा है वेरिएंट एंजाइना, ठीक है। ये कुछ बात थी आपकी इंडिकेशंस को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एंटी एंट्रीजेनिक ड्रग्स जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट अपन कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे और ANS को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।